गाइस वेलकम बैक टू पल्लवीज हेल्थ बकेट। तो आज है छठ पूजा का सेकेंड डे और इसे खरना बोलते हैं। और इसमें जो मेन प्रसाद होता है वो खीर होता है। तो इसमें दो तरीके की खीर बनती है, गुड़ वाली और एक मतलब चीनी वाली बनती है, जिसमें कि दूध वगैरह डाल के जो नॉर्मल खीर होती है वो बनती है। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे बिहार और झारखंड में। लोग इस खीर को, इस प्रसाद को खाने के लिए थोड़ा सा एक चम्मच भी उनको मिल जाए वो इतना ज़्यादा इसके लिए मतलब वेट करते हैं। और आज यही फंक्शन है हमारे घर में, अभी मतलब ख़त्म हो गया है, हम लोग बस सोने जा रहे हैं। आपको शायद में फिर से लग रहा हो कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो जिनके घर में ये छठ होता है वही वो एकदम आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आज कितनी ज़्यादा हेक्टिक डे होता है आज का डे। मतलब इट्स रियली रियली वेरी वेरी हेक्टिक डे। बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए शूट करूं। और चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूं अपने इस पूजा के ब्लॉग से। और हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और प्लीज़ अगर कहीं भी आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पूजा में फ्रेंड्स जो खीर बनती है वो बिल्कुल इस तरह से चूल्हे में बनाई जाती है। और पहले चूल्हा भी ईंटे का बनता था, पर अभी हम लोगों का ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, टाइल्स वगैरह है, तो ईंटा ना लगाकर हम लोगों ने एक लोहा का चूल्हा ले लिया है। और इसे पीतल के बर्तन में बनाते हैं। और जो भी बनाता है उसे पूरे दिन फास्ट रहना पड़ता है। जो व्रत करते हैं वो तो पूरा दिन फास्ट रहते हैं, बिना जल वल कुछ नहीं लेते हैं और सीधा रात में इस खीर को खाते हैं, पूजा करते हैं। और उसके बाद ये प्रसाद बांटा जाता है सबको, और जो उनके हेल्प करेगा उनके साथ बनाने में तो उसे भी पूरा दिन फास्ट रहना पड़ता है। तो ये देखिए हमारी खीर अब बन रही है। और हमारे यहाँ पे साथ में खीर के साथ रोटी भी बनती है, जो वो भी इसी चूल्हे में बनाई जाएगी। और इसमें नियम का बहुत ज़्यादा पालन करना पड़ता है, थोड़ा भी गंदा जूठा या कुछ भी गलती भी नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। और जो व्रत करते हैं वो जब खीर वगैरह खा लेते हैं, ये देखिए मेरी जेठानी और जो मेरी मदर इन लॉ हैं ये लोग मिलकर यहाँ जो भी पूजा का खीर और ये सब बना रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ ने फास्ट किया हुआ है छठ का, और मेरी जेठानी ने आज फास्ट रख कर उनकी हेल्प की है। तो अब शाम हो गया है और पूजा शुरू हो गई है। सबके घर में अलग अलग टाइप से होती है, हमारे यहाँ पे इस तरह से केले के पत्ते में केला, रोटी और गुड़ का जो खीर होता है वो रख कर पूजा की जाती है। और जो भी गेस्ट वगैरह आएंगे वो यहाँ पे पहले प्रणाम करेंगे, टीका लगवाएंगे मम्मी से, और उसके बाद जो प्रसाद होता है खीर का वो लेकर अपने घर चले जाते हैं। दीदी लोग तो हम लोग तो बहुत पहले नहीं थी, पूजा वगैरह हो गई है। तो देखिए कि करती मम्मी सबको टीका वगैरह लगा रही है। हमारे यहाँ पे जो भी शुभ कार्यक्रम होता है, कोई भी पूजा पाठ शादी ब्याह, तो नाक से सिंदूर लगाया जाता है। और ऑरेंज रंग का जो सिंदूर, वैसे तो पीला सिंदूर बोलते हैं, नाक से लेकर पूरी मांग भरी जाती है। ये देखिए गेस्ट वगैरह आने लगे हैं। पूजा हमारे ऊपर वाले न्यू घर में हो रही है, जो कि अभी और नींव की बदमाशी तो बिल्कुल चल ही रही थी। काफ़ी गेस्ट आए, बहुत सारे लोग आते गए और फिर खीर लेकर जाते गए। और हम सब बैठे थे, बातें हो रही थी। आप बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। मैं और मेरी जेठानी बस सेल्फी शूट कर रहे थे। तो ये है प्रसाद वाली खीर जिसकी पिक्चर मैंने ली है। गुड़ वाली बनती है वो तो प्रसाद है, और वाइट वाली जो खीर बनती है दूध वाली
वो हम ऐसे ही मतलब किचन में ही बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छठ का ही वो भी होगा नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।